20 दिन से गाली दिया हूँ, हम डांट सुन रहे हैं। हम वहाँ कल मुख्यमंत्री ने हमको समझाया, हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है भाई क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो, 20 दिन से गाड़ी लेके कहाँ घूम रहे हैं लोग, हम सवाल इन लोगों से कर रहे हैं। घोसी उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर अपना डेरा डंडा जमाए रहे। एनडीए में शामिल होने के बाद सुभा सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के पास ये साबित करने के लिए पहला चुनाव है। इस चुनाव को उन्होंने अपने लिए साख की बात बना लिया है। अभी तो ये तो हमको धोखा देने का काम न हो रहा है। जब हमारा आदमी बूथ पर नहीं रहता है तो हमारा आदमी जाएगा वोट देने, तो ये हमारे कदमी नहीं बन विरोधी बकारेगा रे, उन्होंने हैया नहीं हो चला। आज इसको हम बूथ पे खड़ा करेंगे, इस आदमी के पास एक घंटे का समय ना हो। ये भी तो पता नहीं है कि कौन सा डिग्नेशन ये लोग किए हैं, कौन पद दिए हैं, किसी को कोई सुझाव ही नहीं मिला है। आखिर मिलेगा तभी तो आदमी उस पर ये करेगा भैया, यही बचिया तो हम समझा रहे हैं। ठीक है, आप समझाने तो बताना चाहिए इन लोगों ने। ये 20 दिन से गाड़ी लेके कहाँ घूम रहे हैं लोग, कहीं कोई सवाल इन लोगों से कर रहे हैं। 20 दिन से गाड़ी दिया हूँ, हम डांट सुन रहे हैं। हम वहाँ कल मुख्यमंत्री ने हमको समझाया, हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है भाई क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हैं। ऐसे में लगातार मीटिंग और दौरा भी वो कर रहे हैं और उनके वीडियोस भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ओपी राजभर कार्यकर्ताओं पर भड़क रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे डांट पड़ रही है। इस वीडियो को लेकर सुभासपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बेटे अरुण राजभर ने इस पर अपनी सफाई दी। उन्होंने वीडियो को लेकर सीधा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा दिया है। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 3 तारीख को सभी बूथ अध्यक्षों बूथ प्रभारियों की बैठक सिर्फ ले रहे थे, जिसमें उन सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको फला फला बूथ पर कौन कौन जिम्मेदार पदाधिकारी रहेगा और कौन सेक्टर में पदाधिकारी बनाया गया है, उसकी समीक्षा हो रही थी। कितने लोग गांव से गए थे, कितने लोग गांव से नहीं जा पाए थे, गाड़ियां पहुंची थी कि नहीं पहुंची, इसी सब चीज़ों की समीक्षा माननीय ओम प्रकाश राजभर ले रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन में वीडियो बना करके, वो उनका एक जो अराजकता होता है कि हमेशा से कट पेस्ट करके वीडियो को चलाना, और वही चीज़ें हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि हम आपको गाड़ी अगर दिए हैं काम करने के लिए, तो जिन बूथों पर हम समीक्षा करने आए हैं उन बूथों पर कितने लोगों को आपने जिम्मेदारी दिया है, उसी चीज़ को लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो वहाँ का मुख्य पदाधिकारी था, जो सेक्टर का अध्यक्ष था, जोन इंचार्ज था, उसी को समझा रहे थे कि जब हमसे लोग पूछेंगे जिसके साथ हम गठबंधन किए हैं कि इन बूथों पर आपके कौन कौन पदाधिकारी हैं, तो हम किसको बताने जाएंगे, तो उसी की समीक्षा करने के लिए उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया। और उसके बाद वहाँ एक समाजवादी पार्टी के नेता पहुँचे हुए थे और वो चोरी से वीडियो बना करके इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये तो आम जनता की मीटिंग नहीं थी, वो तो सिर्फ पदाधिकारी, वो 61 पदाधिकारियों की नहीं, देखिए डांट किसी से नहीं पड़ रही थी। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ये साफ साफ कह रहे थे कि हमसे पूछा जा रहा है कि जो गठबंधन के साथी हैं उनसे सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि आपके पदाधिकारी एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसी में उन्होंने कहा कि हमसे पूछा जा रहा है तो हम जवाब तो हमको देने लायक, हमको गाँव में तो हमारे लोग जो काम कर रहे हैं उनको तो बताना पड़ेगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी फ्रस्ट्रेशन में आकर के इस तरह के वीडियो वायरल करा ली। समाजवादी पार्टी जान चुकी है कि हम घोसी में हार गए हैं, बड़े अंतराल से आदरणीय दारा सिंह चौहान जी कमल के बटन से जीतने जा रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो काफी तेजी से वायरल है और इस पर कई किस्म की चर्चाएं भी हो रही हैं। मऊ से दुर्गा किंकर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।